Yo, what's up guys, Jordan Gamer here, mera naam hai Michael, welcome back to another gameplay video of GTA 5. So guys, abhi main apne ghar par hu, mere saath devil hai, aur saath mein dosto abhi main yahan pe dress wagera bhi change kar raha hu, theek hai, aur Shinchan bhi guys hum logo ke saath mein hai. To devil ka kya kahe? Arre Michael, pagal insaan, tere ko pata hai yaar, pichle episode mein tere ko kitna ganda mara tha usne, hain, phir bhi sasta savarta rehta hai jab dekho, pagal kahin ka. अबे तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा डेविल आजकल. अरे मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ यार, तेरे को पता नहीं है टिंचन कितना ज्यादा खतरनाक है. उसने तो पूरे हल को, सिंचन को, साथ ही साथ में किंग कॉन्ग और सैरन हेड को भी बहुत ज्यादा गंदा पीट दिया यार. और तू यहाँ पर सजने संवरने की बात करता है. अरे भाई माफ कर दे, सिंचन कहाँ पर है? अरे मुझे नहीं पता, पर मेरे लिए रुक तो जा, मैं आ रहा हूँ नीचे, बताता हूँ सिंचन कहाँ पर है यार. अरे भाई बता दो दे सिंचन कहाँ है. अरे मैं यहीं पर हूँ, बताओ क्या हुआ. मेरे को प्लीज़ बचा लो, मेरे को यार प्लीज़ 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 बचा लो टिंचन से. अरे हाँ बचा लेंगे यार, पहले मेरे को कार राइड कर लें दे. अरे कौन सी कार की बात कर रहे हो, बुगाटी सेंटोडाइसी? हाँ भाई बुगाटी सेंटोडाइसी कहाँ पर है? अरे यहीं पर मैंने पार्क की थी, कहाँ गई बताओ. अरे यार पार्क यहीं पर की थी तो कहाँ है सिंचन, कहाँ पर है यार कार, मेरे को जल्दी से बता दे. अबे यार तेरे को समझ में नहीं आ रही भाई, मेरे को यहाँ से जाना है यार, और तुम लोगों से तो मेरे को छुटकारा पाना है यार. सिंचन टिंचन ना दिमाग खराब करके रखे हो, जल्दी से बता सिंचन. अरे यार सिंचन देखा भी, हाइड एंड सीख खेलने का समय नहीं है जल्दी. अरे हाइड एंड सीख कौन खेल रहा है माइकल भाई, मैं तो यहीं पर हूँ, पता नहीं बुकाटी कौन ले गया. अरे यार ये क्या बोल रहा है यार डेविल, जल्दी से बता. अरे डेविल से क्या पूछ रहे हो? हाय मेरे को क्या पता यार तेरी कार कहाँ गई, मैं तो बाहर पहरे भी दे रहा था फिर भी मुझे नहीं पता चला. एक बार जाके पड़ोसी के घर पे चेक करके आ जा. हाँ भाई ठीक है, चले यार पड़ोसी के घर पे चेक कर लेते हैं. तो ये रहा पड़ोसी घर. अरे भाई मेरे को नहाना नहीं था यार, कहाँ पर हूँ मैं, मेरे को खुद ही समझ में नहीं आ रहा है. इस बंदे से पूछते हैं डेविल, जल्दी से इस बंदे से पूछता हूँ मैं कहाँ, जल्दी से बता दे. मेरा नाम दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है यार, जल्दी से बता कहाँ है. अरे भाई उसे मार क्यों दिया यार, वो बता देता तो तूने पहले ही मार दिया माइकल, बिल्कुल मंदबुद्धि है बिल्कुल. अबे यार तो डेविल ज़्यादा नहीं बोल रहा है, जहाँ पर भी कार नहीं है डेविल भाई, कहाँ चली गई यार मेरी कार है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. और सिंचन को भी कुछ पता नहीं है गाइज, क्या होगा मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा यार. अब मैं करूँगा क्या, और कहाँ से दोस्तों मेरे को वो कार मिलेगी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा. और भाई वो मेरी इकलौती कार थी जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी, ठीक है. तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो सिंचन कहाँ पर है, ये रहा. ओ भाई साहब, भाई ये क्या यार सिंचन, यहाँ पर तो दिन भी हो गया यार. अरे भाई बहुत ज़्यादा गलत बात हो गई है, अभी टिंचन ने मेरे को कॉल किया था और उसने मेरे को बोला कि भाई टिंचन जो है बहुत ज़्यादा हड़कंप मचाने वाला है, और साथ में वो तुम्हारी कार भी चुरा के लेके गया है. अभी बहुत थोड़े दिनों बाद भी तुम्हें देखने वाला है टिंचन कहाँ पर है. ओ भाई साहब, तो ये रहा गाइस टिंचन. आज मेरे ख्याल से दोस्तों टिंचन जो है सिंचन भाई, सिंचन का भाई पूरे लॉस सैंटोस को डिस्ट्रॉय कर देगा. तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, फिलहाल अभी जस्ट दिन था और अभी दोबारा से दोस्तों यहाँ पर जो है थंडरिंग होने लग गई है. और यहाँ पर दोस्तों जो टिंचन है सिंचन का भाई, वो कितनी ज़्यादा गंदी तबाही कर रहा है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो. फिलहाल तो दोस्तों हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि टिंचन दोस्तों सिंचन को दौड़ते दौड़ते लास्ट में उसने वार्निंग दे के उसने बोला था कि हम लोग सूट चुराएंगे, लेकिन गाइस इस एपिसोड में दोस्तों वो सूट लेके नहीं आया है. लगता है वो सिंचन को दिखाना चाहता है कि मैं तेरे से ज़्यादा पावरफुल हूँ. अब भाई शिमला मिर्च के पीछे गाइस, ये शिमला मिर्च की सब्जी के पीछे गाइस टिंचन जो है इतना ज़्यादा पावरफुल और जो है हड़कम पूरे लॉस सैंटोस पे दिखा रहा है, ठीक है. तो जैसे कि अभी दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ टिंचन से. भाई टिंचन तेरा क्या इरादा है यार? अरे माइकल तुम बिल्कुल चुप हो जाओ यार, तुम्हें क्या पता मेरी जो शिमला मिर्च की सब्जी का गम है वो मैं ही समझ सकता हूँ, तुमको क्या पता शिमला मिर्च की सब्जी कैसी होती है. तेरे को मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि भाई शिमला मिर्च की सब्जी का कोई तोड़ नहीं है, मेरे को शिमला मिर्च चाहिए, जैसी में जैसे लाओ, जहाँ से लाओ, अमेंडा से बनवाओ, ट्रेसी से बनवाओ. अरे भाई तेरे को ट्रेसी और अमेंडा के नाम कैसे पता चले? ये बे मंद बुद्धि पागल, मैं थॉर हूँ, द गॉड ऑफ थंडर, मुझे सब कुछ पता रहता है. तेरे को भी मेरे को पता चल जाएगा तेरे को मारना कैसे है. और तुझे प्लानिंग कर रहा है ना सिंचन के साथ मुझे मारने की? अरे तेरी भाई इसको पता लग गया है क्या? हाँ भाई मुझे सब पता चला है, मैं अंतर्यामी हूँ. मेरा देख थॉर जैसे हथौड़ा फेंकूंगा ना तेरे को भी, जैसे तू मुझे अभी देख पा रहा है मैं तेरे को अभी आके बताता हूँ 2 मिनट में. फिलहाल तो ये 5 स्टार की पुलिस मेरे पीछे पड़ गई है, दिमाग खराब कर रही है. और तुमको पता नहीं है मेरे पास बहुत ज़्यादा पावर है. और उस सिंचन को समझा लो, जब तक मेरी शिमला मिर्च की सब्जी मुझे वापस नहीं लौटाएगा तब तक मैं उसको नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, और बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, और साथ ही साथ में उसे तुझे भी मार दूंगा माइकल. अरे भाई साहब ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है यार. और देख अभी मैं तेरे को अपनी थोड़ी सी पावर दिखाऊँ क्या? ये कार का झुंड मैं एक ही बार में तोड़ सकता हूँ. ये देख भाई साहब, आप लोग देख पा रहे हो गाइस टिंचन की जो पावर है वो सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है. तो गाइस मैं भी यहाँ पर चैलेंज कर दूँ क्या इसे एक तरह से?
टिंचन तेरे को मेरी एक धमकी सुन ले। हाँ भाई बोल, तेरी जितनी धमकी है जितनी सब कुछ सुना दे। मैं तुझे हमेशा पकड़ के मारता ही रहूँगा और धूल भी बहुत जल्दी लूँगा। मेरे को पता है माइकल हाउस यहीं पर है। जब मैंने तेरे परिवार का पूरा नाम जान लिया तो तू कौन होता है? तू भी मेरे से ज़्यादा देर तक नहीं छुपेगा और मैं उस टिंचन को जरूर से पकड़ के मारूंगा। मेरी शिमला मिर्च की सब्जी मुझे चाहिए, नहीं तो मैं रोद भी दूंगा। अरे भाई रो मत, तेरे को दिला देंगे तेरी शिमला मिर्च की सब्जी। अरे तू चुप रहे, सारी जड़ की फसाद तू ही है। तेरे को तो मैं ऐसे भवंडर में उड़ा उड़ा के मारूंगा। फिर फाइनली हेलीकॉप्टर भी नहीं ब्लास्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है हेलीकॉप्टर। अबे हेलीकॉप्टर पे क्या गुस्सा दिखा रहा है टिंचन? अरे तू चुप हो जा माइकल। अबे यार चल मैं तेरे को चैलेंज करता हूँ। अरे तू मुझे चैलेंज कर रहा है? तेरे को पता नहीं है मैं गॉड ऑफ द थंडर हूँ थॉर। अबे तू चाहे गॉड ऑफ थंडर हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन भाई मैं हल्क बन के तुझे आराम से मार सकता हूँ। अरे तुझे हल्क कौन बनाएगा पागल इंसान? इस वाली दुनिया में तेरे को हल्क कौन बनाएगा? मैं तो थॉर का हथौड़ा चुरा के हर थॉर बना हूँ, तुमको पता नहीं है क्या? अरे भाई साहब ठीक है, लेकिन गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, फिलहाल तू चुप कर, ज़्यादा गाइस मत कर। अभी साहब समझ में नहीं आ रहा तेरे को मैं हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो अपनी मैं प्यास इससे बुझाऊंगा। सबसे पहले मैं इस प्लेन को फोड़ूंगा और जितने भी इसके अंदर आदमी बैठे हैं उनको भी मार दूंगा। सब ये तुम्हारी वजह से बुरा है, मेरी शिमला मिर्च की सब्जी मुझे खिला दो तभी मैं चुपूंगा। और ये देखो मैंने प्लेन को ब्लास्ट कर दिया। अभी तुमको पता नहीं है माइकल, तुम ज़्यादा गाइस करते रहते हो ना, इसलिए तुमको मैं बहुत ज़्यादा अभी मारने वाला हूँ और साथ में शिनचैन को भी मारने वाला हूँ। अबे देख तू मेरी बेइज्जती मत कर। अरे ये हेलीकॉप्टर फिर से बच गया। भाई तू बीच में क्यों बोलने लग जाता है माइकल? मेरे को कॉन्सेंट्रेट नहीं करने दे रहा है। फिर एक मैं प्लेन को फोड़ूंगा। मैं जब तक हेलीकॉप्टर को नहीं ब्लास्ट कर लूँगा तब तक मैं इस प्लेन को ही ब्लास्ट करता रहूँगा। प्लेन जितने भी अंदर आदमी बैठे हैं कम से कम 500 तो बैठे ही होंगे। अरे मेरी कार्टून नेटवर्क में तो बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, लेकिन इस प्लेन में एक भी बंदा नहीं है। पता नहीं इसको उड़ा कौन रहा है, पता नहीं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आ चुकी है यार। माइकल तुम देख पा रही हो ना, सबको मैं ब्लास्ट कर दूंगा। यार अभी तो तूने बोला मेरे से बात नहीं करेगा और अभी माइकल कर रहा है, मतलब तेरा चलता है क्या है? मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ? भाई जब तक मैं हेलीकॉप्टर ब्लास्ट नहीं करता तब तक बोलना मत, वरना तेरे को मैं ना आके वहीं पर तेरा हथौड़ा सर पे मार दूंगा। मेरे को पता नहीं तेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा है। और अभी तेरी कार भी मैंने जो चुरा रखी है ना, वो सादा मिलिट्री बेस पे छोड़ के आ गया हूँ मैं। दम है तो जाके वहाँ से ले ले। तब तेरे को मिलिट्री बेस तोप से फाड़ के फेंक देगी। तब तेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। फाइनली मैं बहुत तेरे को दूरते दूरते आ जाऊँगा। देख मैं टेलीपोर्ट भी हो गया हूँ, मेज बैंक टावर पर खड़ा हूँ। यार तो तुम क्या करोगे? ये देखो मैं मेज बैंक टावर पर आ गया हूँ। अरे भाई मैं यहाँ पर आ रहा हूँ अभी। यार देख माइकल तेरे को ना मैं समझा रहा हूँ, प्लीज़ शिनचैन को ना यार एक तरह से मैं, आप लोग देख पा रहे हो कि टिंचन गाइस जितने भी ऑलमोस्ट प्रैक्टिस कर रहा है गाइस थोड़ने की, पूरे लॉस सैंटोस पर उसने कोहराम मचा रखा है। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो पुलिस भी 5 स्टार के पीछे पड़ी हुई है। और साथ ही साथ में गाइस आप लोग ये भी देख चेकआउट कर पा रहे हो कि भीड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो फिलहाल फाइनली मैं यहाँ पर, मेरा सपना पूरा हो गया, मैंने हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर दिया है। फिलहाल मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा पावर्स हैं जो कि दिखाना आप लोगों को बाकी है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना मेरी पावर देखने के लिए। मैं हूँ टिंचन, शिनचैन लोहारा का भाई। अबे यार शिनचैन तू तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सिचुएशन में फंस चुका है यार। टिंचन की तूने शिमला मिर्च की सब्जी क्यों खा ली? और भाई फाइनली आप लोग देख पा रहे हो कि टिंचन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो माइकल ने यहाँ पर बोल दिया है गाइस मेरे ख्याल से कि भाई जो है मेरी कार जरूर से जाके मेरे को ले आके दे दो, तुम्हारी जो तेरी जो दुश्मनी है भाई शिनचैन वो तो टिंचन से है ना, तो भाई मेरे ऊपर क्यों पूरा जो बरस रहा है? अरे ठीक है तो तुम्हारी कार में मिलिट्री बेस ला के तुम्हें दे देता हूँ, और अभी मैं जल्दी से तुम्हारी कार को लेके आता हूँ और साथ में तुम्हारे घर पे जो है डिलीवर कर दूंगा। फिर जल्दी से मेरे को दे देना शिनचैन, नहीं तो भाई मैं तुम्हारी बुकाटी सेंटरडाइजी भी फाड़ के एक कर दूंगा। देखो मैं तुम्हारी बुकाटी सेंटर डाइसी लेके आ रहा हूँ। फिलहाल जो तुमने इसमें मॉडिफिकेशन करवाया है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है माइकल, ये देखो। और मेरी ये पावर भी इस पर काम नहीं कर रही है, लेकिन मेरी जो इलेक्ट्रिक शॉक वेव है ना वो अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो तुम्हारी कार भी ब्लास्ट हो जाएगी। मतलब जैसे ही मैं इसे घर पर छोड़ूंगा मुझे शिनचैन वहाँ पर खड़ा चाहिए। नहीं तो शिनचैन और तेरी ये जो गाड़ी है दोनों को ब्लास्ट कर दूंगा। देख सिंह माइकल मैं तेरी कार को घर पे ले आया हूँ डायरेक्ट टेलीपोर्ट करके। अरे भाई ठीक है चल, ठीक है मैं वहाँ पे खड़ी कर दे, जल्दी से मैं जो है शिनचैन को ला के तेरे पास देता हूँ, ठीक है तू वहीं पर कार पार्क कर दे। अरे भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अगर मैं कार से उतर गया ना तेरी कार को ब्लास्ट कर दूंगा। ओ भाई साहब ये तो उतर गया, अबे ला रहा हूँ भाई क्या कर रहा है यार ये ले। अरे भाई साहब इसने मेरी बुगाटी सेंटोडाइसी फोड़ दी।
अबे उसके उर्जे पुर्जे भी नहीं दिख रहे। अरे तेरा मॉडिफिकेशन गया भाड़ में, ये देख यहाँ की कारें नहीं बच रही हैं, तो अपनी मॉडिफिकेशन की बात करता है पागल इंसान। जल्दी से बता दे सिंचन कहाँ है तेरी कार के साथ, तेरे को भी ऐसे मैं नष्ट कर दूंगा पूरी दुनिया से। फिर तेरे पुर्जे वर्जे भी नहीं मिलेंगे जो ढूंढ रहा है ना अपनी कार के पुर्जे, बेवकूफ। जल्दी से बता दे माइकल कहाँ पर है सिंचन। अरे भाई मैं अंदर ही हूँ यार, मेरे को बता दे यार टिंचन, तू इतना ज़्यादा मेरे से क्यों गुस्सा है। अरे कहाँ से बोल रहा है तू, पहले ये तो बता दे। अरे भाई मैं यहीं पर खड़ा हूँ छुप के तेरे से, प्लीज़ मुझे छोड़ दे यार। अरे नहीं, सबसे पहले तू मेरे हथौड़े खा के देख, तूने मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान किया छोटे में, और तेरे को क्या लगता था तू मेरे से ज़्यादा पावरफुल है। मैं यहाँ पर जो है बहुत अच्छी अच्छी पावर्स लेके आया हूँ, थॉर की, द गॉड ऑफ थंडर की। अरे भाई तो प्लीज़ मुझे तो छोड़ दे यार, मैं तेरी शिमला मिर्च की सब्जी जल्दी से एक अच्छे से होटल से पैक के बना दूंगा। अभी पागल वो मॉम ने बनाई थी, और मॉम की सब्जी तू ही खाए, ये देख अभी मैं हथौड़ा फेंकूंगा ऐसे, और तेरे को भी बताता हूँ। रुक जा चले, तो वहीं पर चुपचाप खड़े रहे सिंचन, वरना तेरे को मैं मार दूंगा। वैसे तेरे पास पावर है, तू मरेगा नहीं, तो मेरे 3-4 हथौड़े खा ले पहले, और उसके बाद हम फिर दोस्त बन जाएंगे। ये ले, ठीक है भाई मार ले यार मेरे को। ओ बहुत तेज लग रही है, तुम्हारा थोर का हथौड़ा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मत मारो मत मारो, एक और हथौड़ा ले ले। ओ भाई साहब बहुत गंदा लग रहा है, 3 मार दिए। ओहो अब तो तूने मेरा मुंह भी घिसाड़ दिया है, मुंह खराब मत करना यार, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे लिए वेट कर रही है। अच्छा बेटा एक तो शिमला मिर्च की सब्जी भी खा ली, ऊपर से गर्लफ्रेंड भी बना रखी है लॉस सैंटोस में, कौन है जल्दी से जल्दी बता दे मेरे को कौन है तेरी गर्लफ्रेंड। अभी तो तेरे 2 हथौड़े बचे हुए हैं। हाँ भाई जो तेरे को करना है कर ले, एक हथौड़ा और मार ले प्लीज़ मुझे छोड़ दे, एक हथौड़ा और ले। बहुत गंदा मार रहा है यार कसम से, अभी जल्दी से मैं आता हूँ इनको। और जहाँ पर ये हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा है इनको सब, अबे यार एक तो यार इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेरे को परेशान कर रखा है, तो टिंचन मैं इनको जल्दी से भी मार देता हूँ और फिर तुम्हारे पास आता हूँ। ये लो काफ़ी अच्छा मज़ा आया थोर बन के, देखो थोर की पावर्स भी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब हैं, आप लोगों को कैसी लग रही हैं ज़रूर से मुझे कमेंट करके बता देना। और सबको मैं अभी यहीं पर मार दूंगा, इस बंदे को जिंदा जला दूंगा, ये देखो जिंदा बंदे जल गया। अरे सिंचन तू कहाँ है, अरे भाई सिंचन कहाँ गया, तूने मुझे फिर से धोखा दे दिया। सिंचन कहाँ है सिंचन जल्दी बता दे। अरे भाई मैं यहीं पर हूँ, रुक जा मैं इस प्लेन को दोबारा फूट गया, ये प्लेन ना मेरे को बार बार दिखते रहता है, इसको मैं जल्दी से भी ब्लास्ट कर दूंगा। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर सिंचन और टिंचन मेरे ख्याल से दोस्ती कर लेंगे अभी यहाँ पर, और फिर माइकल की मेरे ख्याल से लग जाएगी। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो पूरे लॉस सैंटोस के जो है मतलब इतनी ज़्यादा बारिश कभी नहीं हुई है, और इतनी ज़्यादा थंडर भी कभी नहीं हुई है गाइस। और यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर पा रहे हो कि पूरी की पूरी बारिश के कारण दोस्तों जो है लॉस सैंटोस पे पूरी शांति सी छा गई है, लेकिन पुलिस जो है लगातार दोस्तों जो है हिम्मत चटाई जुटा के दोस्तों जो है इससे बदला ले रही है, और कितने ही ज़्यादा दोस्तों जो है पुलिस वाले मारे जा रहे हैं। तो टिंचन ने दोस्तों पूरा जो है हड़कंप मचा दिया है, माइकल की लाइफ में तो मचा ही दिया है। अरे यार माइकल तेरी लाइफ में तो मैं मचाऊंगा ही, सिंचन तू कहाँ है। अरे भाई मैं ऊपर हूँ तुमसे डर के ऊपर बैठा हूँ, मेरे को छोड़ दो, अभी एक मुक्का और खा ले पहले। अरे भाई कितना मारोगे मेरे को, प्लीज़ छोड़ दो। फिलहाल तो मैं तुमको भी छोड़ूंगा नहीं, लेकिन तुमको मैं अभी बहुत गंदा पीटूंगा अपने हथौड़े से, देखना चाहोगे मेरे हथौड़े का दम, अभी दिखाता हूँ तुमको मैं, 1 2 3 ये देख कितना अच्छा लगा ना तेरे को। अरे भाई बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है, तू मेरे हथौड़े का दम देखेगा। हाँ भाई दिखाओ दिखाओ क्या है तुम्हारे हथौड़े का दम, ये देख मैं यहीं से खड़े खड़े ब्लास्ट कर दूंगा उस हेलीकॉप्टर को, ये देख एम कर लिया है मैंने, और ये गया मेरा हथौड़ा और वो ब्लास्ट हो गया। अरे भाई साहब तुम्हारे तो जैन तुम्हारे पास तो बहुत ज़्यादा पावरफुल पावरफुल पावर है। अरे भाई तुमको मेरे ऊपर शक था क्या, अभी देख मैं इन सबको ठीक करके आया। और ठीक है यार सिंचन मैं तुझे माफ कर देता हूँ, क्योंकि तुम हम दोनों भाई भाई है ही हैं, हम दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, हम दोनों बिल्कुल जो है जुड़ के माइकल और उसकी पूरी फैमिली और साथ ही साथ में उसके जितने भी गैंग मेम्बर्स हैं सबको मार के पूरे लॉस सैंटोस पे राज करेंगे। हाँ भाई सिंचन टिंचन बहुत ज़्यादा अच्छा जो है फ़ायदा तुम देख रहे हो मेरे साथ में, और फाइनली हम दोनों दोस्तों जो है राज कर सकते हैं, बहुत अच्छा मज़ा आएगा, चलो आज से हम दोस्त हो जाते हैं। फिलहाल जब मैं गुस्सा होता हूँ तो मेरे पास रेड शर्ट रहती है, अभी जब मैं शांत हो जाऊँगा तो मेरे पास ब्लैक शर्ट आ जाएगी, जिसका मतलब मैं शांत हो चुका हूँ। ठीक है आज से हम दोस्त दोस्त हैं, पर यार दोस्त दोस्त ऐसे थोड़ी ना होता है, एक थोड़ा दोबारा फिर खा ली मेरे से। अरे एक और मार ली मेरे को, अरे भाई अब क्यों मार रहे हो, अब तो हम दोस्त दोस्त हैं ना, ये देखो मेरा जो है दिमाग तो शांत हो गया, मैंने ब्लैक शर्ट पहन लिया। ये ले, अरे भाई कितना मारती हूँ मेरे को, मैं तुम्हारा भाई ही तो हूँ।
तो जैसे कि गाइज आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पर अब सिंचन जो है पूरी बरकरार कोशिश कर रहा है एक तरह से, और लगातार मारने की कोशिश कर रहा है गाइज पूरे पुलिस वालों को। और यहाँ पर इसने जो है फिर से अपनी पावर जो चूज़ कर लिया वो कर लिया टॉर्नेडो स्ट्रॉम। तो जैसे कि दोस्तों टिंचन ने सिंचन से वादा किया है कि हम लोग अब मिलकर दोस्तों माइकल को मारेंगे, तो देखते हैं आने वाले एपिसोड्स में कि माइकल इनका कैसे मुकाबला कर पाएगा, क्या माइकल दोस्तों जो है सिंचन को मार पाएगा या नहीं मार पाएगा, और टिंचन को मार पाएगा कि नहीं मार पाएगा। तो फिलहाल गाइज टिंचन ने सिंचन से बोला कि मैं इस पुलिस वालों को सबको शांत करके तुम्हें एकदम जो है ये मीटियोर जितने गिर रहे हैं, जितना थंडर वगैरह है, सब कुछ शांत करके दोबारा तुमको मिलता हूँ, ठीक है। तो गाइज फाइनली आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो शांत करके जैसे आप लोगों को जो है टिंचन सिंचन से मिलने वाला है। तो जैसी जब शांति होती है तब मैं आप लोगों को डायरेक्ट जो है मिलवाता हूँ। हाँ हाँ सही बोल रहे हो, मैं शांति करवाता हूँ अभी दो मिनट में। ये देखो शांति हो गई है। जॉर्डन गेमर फैमिली का हिस्सा बनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे टिक कर लें। अरे टिंचन भैया तुम तो बहुत अच्छे हो। हाँ मैं तेरा भैया ही हूँ, ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में उस माइकल के।